हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपको बैडमिंटन शटल रनिंग के बारे में बताऊंगा कि आप बैडमिंटन शटल रनिंग को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बैडमिंटन शटल रनिंग में भी सिक्स कॉर्नर्स होते हैं, एक फ्रंट के आपके बैक हैंड साइड में, एक साइड गैलरी, एक ऐसे ही आपका बैक गैलरी बैक हैंड साइड, सेम आपका बैक गैलरी फोर हैंड साइड, साइड गैलरी और फ्रंट गैलरी फोर हैंड साइड। ये सिक्स कॉर्नर्स होते हैं जिसमें आपको शटल को रखना होता है, और वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट गैलरी बैक हैंड साइड से स्टार्ट करके साइड गैलरी रखेंगे, और वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। राइट लेफ्ट राइट, इसी टाइप से बैक रनिंग और साइड गैलरी सेम आपको पहुँचना है। ये हमारा वन कॉर्नर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको साइड गैलरी से बैक गैलरी पे बैक हैंड साइड पे कैसे रखना है उसको दिखाऊंगा। मैंने आपको बैक हैंड साइड गैलरी से बैक हैंड बैक गैलरी का स्टेपिंग दिखा दिया है। अब मैं आपको बैक हैंड बैक गैलरी से लेके फोर हैंड बैक गैलरी के स्टेपिंग कैसे करना है उसको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बैक गैलरी के स्टेपिंग्स को बता दिया है। अब आपके फोर हैंड साइड के बैक गैलरी से लेके मैं साइड गैलरी फोर हैंड साइड पे रखूंगा, वो कैसे करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अभी बैक गैलरी से साइड गैलरी के स्टेपिंग आपको दिखा दिए शटल रनिंग के। अब मैं साइड गैलरी टू फ्रंट गैलरी फोर हैंड साइड के आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। सो साइड गैलरी से फ्रंट गैलरी में स्टेपिंग कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फोर हैंड साइड टू बैक हैंड साइड पे कैसे स्टेप लेना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रहे हमारे शटल रनिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स। अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सेफ रहें।